डिजिटल अड्डा की तरफ से नया नोटिफिकेशन लॉन्च किया गया है, जहां पे आपका क्विज, नया सर्टिफिकेशन और साथ में आपका इंटर्नशिप भी लॉन्च किया गया है। यहां पे विंटर इंटर्नशिप लॉन्च कर दिया गया है। जानेंगे हम लोग इसमें कि कितना रिक्वायरमेंट दिया गया है, साथ में हम लोग चेकलिस्ट करेंगे पहले सालों का, कितने सारे स्टूडेंट को यहाँ पे दिया गया अप्लाई करने के बाद, और साथ में हम लोग यहाँ पे क्विज कंपटीशन भी खेलने वाले हैं। तो यहाँ क्विज में आपका जो आंसर्स है वो हमारे वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, सारे आंसर्स को पूरा स्कोर करने के बाद अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ ज्योति फ्रॉम जीरो टू प्लेसमेंट। यहाँ पे हर एक चीज़ों का अपडेट दिया जाता है। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए डिजिटल अड्डा की तरफ से हर समय क्विज कंपटीशन लॉन्च किए जाते हैं यहाँ पे। तो इस बार की जो क्विज है वो लूनिक्स एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन के ऊपर लॉन्च किया गया है। अगर आपको बाइक की और भी सारे क्विज कंपटीशन का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप यहाँ से कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्किंग सर्टिफिकेट है, न्यूट्रिशन डाइट सर्टिफिकेशन है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ आपको कुछ क्विज खेलना है, क्विज के आंसर्स देना है और उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो साथ में यहाँ पे क्विज कैसे मिलेंगे, तो जैसे ही आप इसे अप्लाई पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे एस्टिमेट कुछ लॉगिन के आईडीज फिलअप करना पड़ेगा। आपको अगर इसके आंसर्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। आप इसे देख देख कर वहाँ पे अगर कॉपी करते हो तो भी आपका आंसर्स यहाँ पे सारे करेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप इसके आंसर्स पूरा कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्कोर बोर्ड शो करेगा। स्कोर बोर्ड जैसे ही शो करते हो तो देख रहे हो मेरा यहाँ पे 150 पे 150 आपका आ गया है। तो ऐसे ही करके अगर आप जैसे ही लॉग इन करोगे अपना चेकआउट करते हो तो आपको यहाँ पे स्कोर बोर्ड में शो कर जाएगा कि आप कितने स्कोर किए हो। उसके बाद जैसे ही आप उसका स्कोर बोर्ड सबमिट करते हो उसके बाद आपका जो ये सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट, मतलब आपके ईमेल आईडी में चला जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो वहाँ पे जाकर आप देखिए हमारे चलते हैं ईमेल में जाकर चेकआउट करते हैं, तो देखिए हमारे ईमेल में ये आंसर्स आ चुके हैं। साथ में यहाँ पे देख रहे हैं मेरा सर्टिफिकेट भी यहाँ जनरेट हो चुका है। तो सर्टिफिकेट को जैसे ही डाउनलोड करिएगा ऐसे ही आपका सर्टिफिकेट शो करेगा। ये आप कहीं पे भी कोई भी कंपनी में आप जब अप्लाई करते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर बहुत सारे मार्कआउट के स्टूडेंट्स होते हैं जो MAR पॉइंट्स के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इवन इस सर्टिफिकेट से भी आपको MAR पॉइंट्स भी मिलता है। चलिए अब हम लोग इंटर्नशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग इंटर्नशिप देख रहे हो कि आपका यहाँ पे चेकलिस्ट इंटर्नशिप आ चुका है और साथ में विंटर डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप आ गया, इसके बारे में बात कर लेते हो। तो ये डिजिटल अड्डा की तरफ से हर समय निकलते रहता है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के यहाँ पे चाहिए, जिन कैंडिडेट के रिस्पॉन्सिबल है कि SEM या SMO या फिर PPC प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट, अगर आप ये सब कर सकते हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है कि आपको ये सारे काम करना पड़ेगा। बेनिफिट यहाँ पे क्या है कि आप अपने पर डे, मतलब 24 आवर्स में कोई भी 8 आवर्स पर डे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। होम बेस्ड जॉब है। साथ में यहाँ पे आफ्टर आपका जैसे ही कोर्स कंप्लीट, मतलब इंटर्नशिप कंप्लीट होता है, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है। बेनिफिट है कि आपको 15,000 रुपया स्टाइफेंड दिया जाता है। ये 6 महीने का आपका रहेगा इंटर्नशिप। साथ में यहाँ पे आपके पास जो स्टूडेंट फ्रेशर है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। रिलेवेंट स्किल होना चाहिए, आप इमीडिएटली इस इंटर्नशिप को स्टार्ट कर सकते हो। 6 महीना अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप करेंटली पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। स्किल क्या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस स्किल होना चाहिए, एनालिटिक स्किल होना चाहिए, तो ये सब है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सीट यहाँ पे आपका ओनली 20 दिया गया है और 31 जनवरी 2023 के अंदर आपको इसे अप्लाई करना है। प्रोसेस क्या है इसका, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एस्टिमेट आपको फिलअप करना होगा कुछ डिटेल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाता है आपका रिज्यूमे के थ्रू। उसके बाद आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया जाता है और उसी फर्दर प्रोसेस के हिसाब से आपको यहाँ पे बुलाया जाता है कि अगर आप एलिजिबल हो तो आपका नाम यहाँ पे दे दिया। तो देखिए यही सारी चीज डिटेल को आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा और अपना रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम लोग चेकलिस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो जो स्टूडेंट्स लोग ने अप्लाई किया है वो लोग का नाम ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपका नाम है तो आपका अब टेलीफोनिक इंटरव्यू होने
होने वाला है। तो आप लोग रेडी हो जाइए अपने टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए। तो यही था इंटर्नशिप के नॉलेज, क्या आपको जैसे अप्लाई करना है तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इसके लिंक चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। तो वीडियो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई इसी और रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।